इंदौर में स्थापित स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई की नियुक्तियों में घोटाले के आरोप लगे हैं। नेत्र चिकित्सा सहायक कमल गोस्वामी ने आरोप लगाते हुए कहा कि साल 2019 में कांग्रेस शासन काल में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई में जो नियुक्तियां की गई है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। नेत्र चिकित्सा सहायक कमल गोस्वामी का कहना है कि महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई में डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए 2018 में कुछ आवेदन ज़्यादा आने के कारण उन्होंने उसे निरस्त कर दिया। 2019 में फिर विज्ञापन जारी कर डॉक्टरों की नियुक्तियां हुई। सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार जब मैंने नियुक्तियों की जानकारी निकाली तो उसमें कई गड़बड़ियाँ और भ्रष्टाचार सामने आए हैं। कॉलेज प्रशासन ने 3 डॉक्टरों को पोस्ट के अनुकूल योग्यता ना होते हुए भी नियुक्ति कर दी। DNB योग्यता वाली डॉक्टर की नियुक्ति कर दी गई जबकि विज्ञापन में MS की योग्यता मांगी गई थी जिसमें डॉक्टर मीता जोशी, टीना अग्रवाल और सहायक अध्यापक ऋषि गुप्ता शामिल है। इन 3 डॉक्टरों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार हुआ है जिसके मेरे पास प्रमाण भी मौजूद है। इस विषय में मैंने कमिश्नर, सहायक आयुक्त और डीन से मुलाकात की, साथ ही मेडिकल काउंसिलिंग और प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है। कमिश्नर साहब ने टीम गठित कर जांच का आश्वासन दिया है। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट। हमने विज्ञप्ति जारी की थी महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज की तरफ से स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई में डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए। 2018 में कुछ आवेदन ज़्यादा आने के कारण इन्होंने उसको निरस्त कर दिया। 2019 में फिर विज्ञप्ति जारी की गई तो इनकी जो नियुक्तियां डॉक्टरों की हुई उसके लिए मैं RTI के माध्यम से मैंने 2 साल में सारी चीज़ें निकाली है तो उसमें 3 डॉक्टरों की जो योग्यता है वो उस पर वांछित नहीं है। जो अनिवार्य योग्यता थी उसमें उनकी अनदेखी करके भारी भ्रष्टाचार करते 3 डॉक्टरों की नियुक्ति की गई।